नमस्कार, हम झरोका चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी अलंकार पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर हमने हिंदी अलंकार पर आधारित 15 प्रश्न तैयार किए हैं। आपको इन प्रश्नों के जवाब देना है। चार जवाब दिए गए हैं, आपको सही उत्तर को चुनना है। इस तरह आप अपने अलंकार ज्ञान को और अलंकारों को पहचानने के लिए जो ट्रिक आपने सीखी है, आप उसको परख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी अलंकार पर आधारित ये प्रैक्टिस टेस्ट। ये आपके सामने पहला प्रश्न आएगा, मैं इसे पढ़ भी रही हूँ। अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है? इसके ऑप्शन है अ सजावट, ब आभूषण, स घमंड, द ले। जो सही उत्तर है उसको आप चुनिए। इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको सभी के सही उत्तर बताऊंगी। अब आपके सामने है प्रश्न नंबर 2, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है अ संधि, ब समास, स शब्द शक्ति, द अलंकार। सही उत्तर को चुनिए। अब आपके सामने प्रस्तुत है प्रश्न नंबर 3, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? इसके ऑप्शन है अ 3, ब 4, स 10, द अनगिनत। अब आपके सामने प्रश्न नंबर 4, जहां पर काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार या सौंदर्य दिखाया जाता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन अ अर्थालंकार, ब उभ्यालंकार, स शब्द अलंकार, द इनमें से कोई नहीं। जो सही उत्तर है उस उत्तर को चुनिए। अब आपके सामने है प्रश्न नंबर 5, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन है अ यमक, ब रूपक, स उपमा, द अनुप्रास। जो सही उत्तर है उसको चुनिए। अब आपके सामने प्रश्न नंबर 6, जब कविता की किसी पंक्ति में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, तब उससे उत्पन्न होने वाले काव्य चमत्कार को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है अ अनुप्रास अलंकार, ब श्लेष अलंकार, स उत्प्रेक्षा अलंकार, द अन्योक्ति अलंकार। जो सही ऑप्शन है उसे चुनिए। जो इनके उत्तर है वो आपको वीडियो के आखिरी में मैं बताऊंगी। प्रश्न नंबर 7, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यहाँ पर कौन सा अनुप्रास अलंकार है आपको यह बताना है। और आपके ऑप्शन है छेका अनुप्रास, ब प्रत्यानुप्रास, स लट अनुप्रास, द श्रुत्यानुप्रास। जो सही उत्तर है उसे चुनिए और बताइए। अब आपके सामने प्रश्न नंबर 8, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाए, ये खाए बौ रात नर वह पाए बौराए। यह किस अलंकार का उदाहरण है? ऑप्शन से अ अतिशोक्ति, ब यमक, स पुनरुक्ति प्रकाश, द श्लेष। जो सही उत्तर है उसे लिखिए। अब आपके सामने अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, जहाँ पर एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हों, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? आपके ऑप्शंस हैं अ संदेह अलंकार, ब मानवीकरण अलंकार, स अन्योक्ति, द श्लेष। तो चुनिए आपका सही उत्तर जो है उसको चुनिए। और अब आपके सामने प्रश्न नंबर 10, उपमा अलंकार के अंगों की संख्या कितनी होती है? और आपके ऑप्शंस हैं अ 7, ब 5,
सा चार द तीन। जो भी इनमें से सही उत्तर है उसे लिखिए। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, कि हमारे झरोका चैनल में हमने अलंकार पर विस्तृत वीडियो बनाए हैं और अलंकार को पहचानने की ट्रिक पर भी आधारित काफ़ी वीडियो बनाए हैं। अगर आप चाहें तो आप हमारे चैनल पर जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियो की लिंक भी प्राप्त हो जाएगी। अब आपके सामने है प्रश्न नंबर 11। खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अ उपमा अलंकार, ब प्रकृति अलंकार, सा दृष्टान अलंकार, द प्रतीप अलंकार। अपना सही ऑप्शन चुनिए। अब आपके सामने प्रश्न नंबर 12। पाए महावर दीन को नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी भीड़त जाए। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, अ भ्रांतिमान अलंकार, ब संदेह अलंकार, स दीपक अलंकार, द व्यतिरेक अलंकार। सही ऑप्शन को चुनिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। जहाँ पर कारण के न होते हुए भी कार्य का होना दर्शाया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? आपके ऑप्शन है अ विशेषोक्ति अलंकार, अर्थानांतर्यास अलंकार, विभावना अलंकार, उल्लेख अलंकार। सही उत्तर चुनिए और बताइए कौन सा है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 14। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कौन सा अलंकार है आपको पहचानना है? आपके ऑप्शंस हैं आ असंगति अलंकार, ब विरोधाभास अलंकार, सा काव्यलिंग अलंकार, द अनुक्ति अलंकार। तो जो सही उत्तर है उसको चुनिए। और अब आपके सामने प्रश्न नंबर 15। मानवीकरण अलंकार का उदाहरण कौन सा है? मैं आपको चार उदाहरण बता रही हूँ, इनमें से सही उदाहरण आपको चुनना है। अ शरद आया पुलों को पार करते हुए, ब राधा मुख चंद्र सो सुंदर, सा मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, द तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे। तो ये 15 प्रश्न थे जो अलंकार पर आधारित थे। आप अपने अलंकार के बारे में जो आपने पढ़ा है, उस ज्ञान के चलते आपने जो अलंकार को पहचानने की जो ट्रिक सीखी है, उनके माध्यम से इन सभी 15 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। अब मैं आपके सामने यहाँ पर जो सही उत्तर है उनको रख रही हूँ, आप मिला सकते हैं। प्रश्न 1 का सही जवाब है ब आभूषण, प्रश्न 2 का सही जवाब है द अलंकार, प्रश्न 3 का सही जवाब है तीन, प्रश्न 4 का सही जवाब है शब्दालंकार, प्रश्न 5 का सही जवाब है अनुप्रास अलंकार, प्रश्न 6 का सही जवाब है अनुप्रास अलंकार, प्रश्न 7 का सही जवाब है लाटानुप्रास अलंकार, प्रश्न 8 का यमक अलंकार, प्रश्न 9 का सही उत्तर है श्लेषमक अलंकार, प्रश्न 9 का सही उत्तर है श्लेष अलंकार, प्रश्न 10 का सही उत्तर है 4, प्रश्न 11 का सही उत्तर है उपमा अलंकार, प्रश्न 12 का सही उत्तर है भ्रांतिमान, प्रश्न 13 का सही उत्तर है विभावना, प्रश्न 14 का सही उत्तर है विरोधाभास, प्रश्न 15 का है शरद आया पुलों को पार करते हुए। ये हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सही उत्तर दिए हुए हैं, तो आपने जो सही उत्तर चुने हैं उनसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपने सही उत्तरों को मिला सकते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई राय हो, सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे ज़रूर पूछिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।